हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20 डी का क्वेश्चन नंबर ये है 6। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो आज भाई सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो दोनों फिगर है इसमें जो शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये जो दोनों फिगर है उसमें शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वाला हम जो फिगर है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है दो फिगर इसमें है, एक है स्क्वायर और दूसरा है स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, तो हम शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल लेंगे और स्क्वायर के अंदर एक सर्किल बना हुआ है तो सर्किल का भी एरिया निकाल लेंगे। जब दोनों का एरिया हम फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का, स्क्वायर का एरिया निकालने का साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें तो एरिया हमें पता नहीं है, यहां से लेके यहां तक तो इतना जो है 7 सेंटीमीटर है और इसके आगे जब जाएगा तो 7 सेंटीमीटर और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? या 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। 14 सेंटीमीटर हो गया है इसके आर्म का साइज, तो क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर? साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर का है, तो साइड इंटू साइड हो गया, कितना हो गया? 14 में 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा? 56, 14, 6, 196। ठीक है, तो आ जाएगा 196। ये क्या है? एरिया ऑफ किसका? स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर यही है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसमें है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, ये तो रहा फर्स्ट, ये सेकंड वाला है एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की जगह रखेंगे 22/7 एंड आर स्क्वायर है, आर है सर्किल है तो उसमें आर मतलब रेडियस होता है, यहां रेडियस क्या है? 7 सेंटीमीटर है, मतलब 7 का स्क्वायर। ठीक है, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर मतलब 49, तो इसको ये डिवाइड करेगा, 7 7 49 हो गया है, तो 22 × 7 क्या हो जाएगा? 22 × 7 क्या हो जाएगा? 7 × 2 = 14, 4 + 1 = 1, 7 × 2 = 1, 15, 154। एरिया ऑफ सर्किल क्या हो गया है? एरिया ऑफ सर्किल ये है 154। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज, हम लिख सकते हैं नाउ एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? 196 - 154 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा? 196 में से 154 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2 = 6 हो गया, 2 बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, 42 आएगा, आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड पोर्शन का आंसर। ठीक है, देख लीजिए, अब हम सॉल्व करेंगे सेकेंड वाले फिगर के शेडेड पोर्शन का हम एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है दो सर्किल है, एक छोटा वाला सर्किल है जिसका रेडियस है 2.5 मीटर, एक बड़ा वाला सर्किल है जिसका रेडियस है 4.5 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों सर्किल का एरिया फाइंड करना है और एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना है, शेडेड पोर्शन का एरिया हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां दो सर्किल है, तो दो सर्किल है तो दो फार्मूले लिखते हैं, एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ किसका? किसका एरिया है? एरिया ऑफ सर्किल।
पाई आर स्क्वायर होता है माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्किल है तो दो फार्मूला लिखते हैं, दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहला वाला क्या है, पाई आर, पाई की जगह रहेगा 22/7, आर का स्क्वायर मतलब ये जो बड़ा वाला सर्किल है उसका रेडियस है 4.5 मल्टीप्लाइड 4.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 22/7 इंटू आर का स्क्वायर मतलब छोटा वाले सर्किल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 हो गया है, 4.5 का मल्टीप्लाई 4.5 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, 5 पांच 25 के 5 ऐसे बचा दो, 5 चौक 20 22 के 2 4 पंच 20 2 4 चौक 16 17 18 5 2 8 10 16 बचा 1 1 2 ये हो गया है डेसिमल यहां डेसिमल यहां, तो इसके बाद दो टोटल 2 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा। ठीक है, ये हो गया 20.25। ठीक है, ये जाएगा 20.25 आ गया, माइनस 22/7 हो गया 6.25 आ जाएगा। ठीक है, 6.25 इसका 22.5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 22/7 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो बीच में क्या बचेगा, 20.25 है और सब्ट्रैक्ट होगा, ये कॉमन हो चुका है ये भी कॉमन, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 6.25, तो क्या आएगा, 22/7 आ गया है, यहां बचेगा 14 ये बचेगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 बचेगा सिर्फ, तो 7 × 14 आ जाएगा 22 × 2 कितना हो गया 44 आ गया, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा आंसर इसका, सेकंड वाले साइडेड पोर्शन का एरिया ये है। ठीक है, देख लीजिए, सेंटीमीटर नहीं मीटर में रहेगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है, मीटर में है। ठीक है, देख लीजिए, अब हम मुद्दे की बात समझ में आया तो वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, एंड बाय।